जावा में मेथड्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मेथड को बनाना और मेथड को कॉल करना। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 11.10, जावा डेवलपमेंट किट 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इक्लिप्स में आम जावा प्रोग्राम कैसे लिखें और कंपाइल और रन कैसे करें। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। जावा मेथड स्टेटमेंट्स का मजमा है जो मखसूस ऑपरेशन करता है। अब मेथड लिखें। इक्लिप्स में मैंने पहले ही एक प्रोजेक्ट मेथड बनाया है। प्रोजेक्ट में मैंने मेथड डेमो नामी जावा क्लास बनाया है। क्लास में मेन मेथड के बाहर हम एक मेथड लिखेंगे, लिहाजा टाइप करें void मेथड का नाम। हम इसे नाम देते हैं, नाम है डिस्प्ले मैसेज parentheses, एंटर दबाएं और करली ब्रैकेट्स। मेथड एक वैल्यू रिटर्न यानी वापस कर सकता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मेथड वैल्यू को रिटर्न करे तो कीवर्ड void इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब करली ब्रैकेट्स के अंदर मैसेजेस को प्रिंट करें, लिहाजा टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में हेलो मेथड। तो हमने एक मेथड लिखा है। अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे। मेन मेथड में हम क्लास मेथड डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिहाजा मेथड डेमो ऑब्जेक्ट का नाम। इसे नाम दें एमडी इक्वल टू न्यू मेथड डेमो पैरेंथेसिस सेमीकोलन। इस तरह हमने न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए क्लास मेथड डेमो का ऑब्जेक्ट एमडी बनाया है। अब डिस्प्ले मैसेज मेथड को कॉल करें, लिहाजा टाइप करें एमडी डॉट डिस्प्ले मैसेज। डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल मेथड को कॉल करने के लिए किया जाता है। अब रन आइकन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को रन करें। हम कंसोल पर हेलो मेथड आउटपुट देखते हैं। void के बजाय इंटीजर रिटर्न करें, लिहाजा टाइप करें इंट और मेथड पब्लिक बनाएं, जिस तक कहीं से भी एक्सेस यानी रसाई हो सकती है। डिफॉल्ट तौर पर ये प्राइवेट है, जो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होता है जहां ये लिखा हुआ है। अब मेथड में टाइप करें रिटर्न 7 सेमीकोलन। याद रखें, हम मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट सबके आखिर में लिखते हैं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई भी दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब मेन मेथड के आखिर में टाइप करें प्रिंट स्टेटमेंट, लिहाजा टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। पैरेंथेसिस में हम मेथड को कॉल करेंगे, लिहाजा पैरेंथेसिस में एमडी डॉट मेथड को रखें, सेमीकोलन को खारिज कर दें। ये मेथड के रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करेगा। एप्लीकेशन को रन करें। हम आउटपुट में देख सकते हैं कि वैल्यू 7 प्रिंट होती है। अब हम दूसरा मेथड लिखेंगे और इस मेथड को डिस्प्ले मैसेज में कॉल करेंगे,
लहजा टाइप करें public void method name square parenthesis में int a। यहां हम अपने मेथड को पैरामीटर के तौर पर int a दे रहे हैं। अब curly brackets में टाइप करें system.out.println पैरेंथेसिस में a into a। तो हमने स्क्वायर मेथड लिखा है, वो इंटीजर का स्क्वायर दिखाएगा जो पैरामीटर में दिया गया है। इस मेथड को डिस्प्ले मैसेज मेथड में कॉल करें, लिहाजा टाइप करें स्क्वायर पैरेंथेसिस में एक इंटीजर 5 सेमीकोलन। इस एप्लीकेशन को रन करें, हम देखते हैं कि आउटपुट 5 का स्क्वायर जाहिर करता है जो 25 है। अब एप्लीकेशन की रवानी को समझते हैं। मेन मेथड शुरुआती पॉइंट है। मेन मेथड में हमने पहले डिस्प्ले मैसेज को कॉल किया है, लिहाजा कंट्रोल डिस्प्ले मैसेज पर जाता है और डिस्प्ले मैसेज में तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। पहला प्रिंट स्टेटमेंट है, फिर ये स्क्वायर मेथड पर मिलता है, लिहाजा कंट्रोल स्क्वायर मेथड पर जाता है। स्क्वायर मेथड इंटीजर 5 लेता है और इंटीजर का स्क्वायर 25 वापस करता है। फिर कंट्रोल डिस्प्ले मैसेज पर वापस जाता है और ये वैल्यू 7 वापस करता है। फिर कंट्रोल मेन फंक्शन पर वापस जाता है। चूंकि यहां एग्जीक्यूट होने के लिए कोई भी स्टेटमेंट बाकी नहीं है, तो मेन मेथड में एप्लीकेशन बंद होता है। ठीक है, अब स्टैटिक के तौर पर डिस्प्ले मैसेज बनाएं। लिहाजा पब्लिक के बाद स्टैटिक टाइप करें। हम देखते हैं कि हम स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक मेथड कॉल नहीं कर सकते, लिहाजा हम इस कॉल को कमेंट करेंगे। क्योंकि मेन एक स्टैटिक मेथड है, तो हम इसके अंदर स्टैटिक डिस्प्ले मैसेज कॉल कर सकते हैं। अब स्टैटिक मेथड के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा हम इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कमेंट करेंगे और हम md.delete करेंगे। एप्लीकेशन रन करें, हम आउटपुट देखते हैं हेलो मेथड और 7। हम 25 नहीं देखते क्योंकि हमने स्क्वायर मेथड के लिए कॉल को कमेंट किया है। हम दीगर क्लास से भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक क्लास डेमो बनाया है। क्लास के अंदर मेथड बनाएं और टाइप करें public void show parentheses। एंटर करें curly brackets में system.out.println parenthesis और double quotes में I am from other class। फाइल सेव करें, मेथड डेमो क्लास पर वापस जाएं। अब हम मेथड डेमो क्लास के अंदर इस शो मेथड को कॉल करेंगे। इसके लिए हमें क्लास डेमो का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। ये इसलिए क्योंकि शो मेथड क्लास डेमो से वाबस्ता है। लिहाजा टाइप करें डेमो d इक्वल टू न्यू डेमो पैरेंथेसिस सेमीकोलन, फिर शो मेथड कॉल करें। इस एप्लीकेशन को रन करें।
हम कंसोल पर देखते हैं I am from other class। इस तरह से जावा में मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। मेथड नेम और पैरामीटर्स मेथड का सिग्नेचर बनाते हैं, जबकि कर्ली ब्रैकेट्स और स्टेटमेंट्स मेथड की बॉडी यानी ढांचा बनाते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा मेथड बनाना, मेथड कॉल करना और मेथड्स के मुख्तलिफ सिग्नेचर्स। अपनी जांच के लिए एक मेथड बनाएं जो एक इंटीजर के क्यूब को प्रिंट करे। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए इस लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी खोंदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज ज़ेल लिंक पर दस्तियाब है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।